अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफी के वीडियो सबसे पहले। तस्नीम शेख जो तनिषा नेरुलकर के नाम से भी जाना जाते हैं एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है। उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अनुपमा, किस देश में है मेरा दिल, कुमकुम के पैरों से बंधन आदि से टेलीविजन शो में काम किया है। उन्होंने 2001 में टीवी शो घराना से अपने करियर की शुरुआत की। तस्नीम शेख का जन्म 4 अगस्त 1980 को मुंबई महाराष्ट्र में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। तस्नीम और उनका परिवार कम उम्र में ही मुंबई शिफ्ट हो गए थे। उन्होंने मुंबई में शिक्षा ग्रहण की। तस्नीम ने एक सहायक अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू किया और 2001 में धारावाहिक घराना के साथ टेलीविजन पर शुरुआत की। उन्होंने एक साथ लोकप्रिय नाटक धारावाहिक कुसुम में ज्योति देशमुख के रूप में काम किया। इस धारावाहिक से उन्हें बहुत प्रसिद्धि और पहचान मिली। बाद में उन्होंने कसौटी जिंदगी की, कुमकुम एक पैरा से बंधन, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, किस देश में है मेरा दिल आदि ऐसे कई लोकप्रिय टीवी शो में काम किया। वर्तमान में वो स्टार प्लस टेलीविजन शो अनुपमा में राखी दबे के रूप में काम कर रहे हैं। तस्नीम शेख ने 14 अप्रैल 2006 को मुंबई में मर्चेंट नेवी सम्मी नेरुलकर से शादी की। दंपति की एक बेटी है जिसका नाम टिया नेरुलकर है। उसके बाद उनकी बेटी ने उन्हें 6 साल बाद इंडस्ट्री में वापसी के लिए प्रेरित किया। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम तनिषा नेरुलकर भी बदल लिया। उन्होंने सेलिब्रिटी रियलिटी शो मिट्टी चोरी नंबर 1 2010 में भी भाग लिया। वो एक बेहतरीन पेंटर है। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर ऐसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए, क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।